ये देखो मेरे हीरोइन को इच गया। मम्मा के साथ साथ उठ के आ गई, उसको भी चाय चाहिए। बोला मेरे छोटू को भी चाय चाहिए ना, मम्मा ने यहाँ चाय भर के दिया। ये मम्मा की चाय है, ये मेरे बेटे की चाय। अच्छा बुचुलू चलो, मेरे बुचुलू जो मम्मा को काम ही करने नहीं देती है उठ के आ जाती है। पापा जी बोलो। सुच करके पटिया ही रख दी। गुड मॉर्निंग पापा जी। पापा जी चाय लाओ। हाँ कहले मुख दिखाओ चाय पीने वाला का। इसी पापा चलो आइया नहीं हम। क्यों गुस्से करते बाप, क्यों गुस्से करते मम्मा से। अच्छा इसी मम्मा ने केक कुछ दिया, पापा ने खाया ना वन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ करुणा लामा फ्रॉम नेपाल, अनि हाल हिमाचल। अभी सुबह का 10:30-11 हो चुका है। मैं सुबह नहाए धाए और कुछ घर के काम किया मैंने, कुछ घर के काम शूट आउट नहीं किया मैंने। आज मैं इतना जल्दी में थे क्योंकि आज मेरे बेटी की स्कूल छुट्टी था, तो उसके साथ टाइम पास करना होता है, उसके साथ पीछे पीछे भागते रहो, तब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी 10:30 हो गया, 11 बजने लगा। अब हस्बैंड ड्यूटी चले गए और मेरी बेटी देख रही है फ़ोन में कुछ कार्टून वगैरह देख रही है, तो मैं घर के काम ख़त्म करके आ जाती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा आज है 17 सितंबर, सुबह हमने कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह बता, आज हमने सुबह थोड़ा शूट किया और 10-11 बजे जैसे से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। हाँ जी, घर के काम को ख़त्म करके हम लोग सो गए दिन में। आज मेरे बेटे की छुट्टी था, तो छुट्टी मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, तो ऐसे ही दिन निकल गया। अब भी हो गया शाम के 5 बजे, तो हम निकल गए घूमी करने के लिए। मेरे बच्चे हाय बोल दो। हाय। ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे घर के सामने ही है। तो देखते हैं अभी हम कहाँ तक जाएंगे इसके साथ। तो ये मेरे को तंग करती है। आज ब्लॉग में आएंगे हम पॉन्की। ये हो गया हमारा कुल्लू का नजारा। आजो घरमा तङ गरेको
अभी गर्म हो रहे हैं ना। तो व्यूअर्स अभी रात के 9:30 होने लगी है, तो मैं खाना बनाने लगी हूँ। मैं थोड़ी देर दुकान में बैठी, दुकान में कुछ काम किया, फिर घर में आके मैंने घर के काम को ख़त्म किया। तब तक मैंने सूट आउट नहीं किया था, तब अभी खाना बना रही थी। थोड़ा सा सब्जी के कुछ रेसिपी बना के आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं आज छोले चने बना रही थी, तो मैं इस टाइप से छोले चने बना रही थी। मैंने ये चावल के साथ खाने के लिए बनाया था, तो आप लोग भी इस तरह बना सकते हो, सिंपल सा घर में ऐसे ही चावल के साथ खाने के लिए। अगर आप लोग रोटी के साथ खाने के लिए बना सकते हो, इसको थोड़ा घुमाना करके। तब मैंने बनाया था चावल के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तरी डाला था, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। तो हमारी सब्जी तैयार हो चुका है, आप लोग भी देख सकते हो, और इसी तरीके से बना के आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। तो माय व्यूअर्स, इसमें मैंने इतना कुछ भी नहीं डाला था, मसाले मुसले ये वो सो ऐसा कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी टेस्टी बना था। हम मैंने सबको खाने में दे दिया था, तब सारे बोल रहे कि टेस्टी बन गया था। पर इसमें मैंने इतना मसाले नहीं डाला था, क्योंकि हमारे घर में इतना मसालेदार सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही मसाले कुछ वही धनिया जीरा पाउडर ऐसे ही कुछ डाला था, और सब्जी हो गया था टेस्टी। सो अभी के लिए बाय, फिर आ रहेंगी मैं।